पानी अगर ना हो तो जीवन ही नहीं होगा, इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। अगर जल ना हो तो ना तो पशु, ना ही पक्षी, ना ही पेड़ पौधे और ना ही इंसान बचेंगे। यानी कि पूरी जो ये पृथ्वी पे जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। हम लोगों का जो मूल है वो जल ही है। अब बात ये है कि पृथ्वी पर कितना पानी है, तो अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो करीब 70% तो पानी मौजूद है, लेकिन एक सवाल ये है कि कितना पीने लायक पानी है। पृथ्वी पर 70% पानी होने के बावजूद भी पानी जो है कितना पीने लायक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो जितना पृथ्वी की सतह पे पानी मौजूद है उसमें से 97% पानी तो पीने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो पानी समुद्र में मौजूद है, यानी सागर और महासागरों में मौजूद है। करीब 97% पानी ये पीने लायक नहीं है, ये पानी नमकीन है, खारा है, इसे हम पी नहीं सकते, ना किसी चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बचता है 3%। अब ये 3% पानी जो बचा है उसमें से 2.4% पानी तो बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर में, ग्लेशियर यानी बर्फ का पहाड़। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ जमी हुई है या जो जल जमा हुआ है वो पानी, वो जो बर्फ है वो उसको अगर पिघलाया जाए तो वो पीने योग्य तो होगा, लेकिन वो जमा हुआ रहना हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो भी पानी अगर पिघल जाता है तो फिर कितने ही देश जो हैं वो डूब जाएंगे, क्योंकि पानी यानी समुद्र में जो पानी मौजूद है उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे के जो देश हैं वो डूब जाएंगे। इसलिए वो पानी देखा जाए तो पीने योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि वो बर्फ के रूप में है, उसे पिघलाना भी मुश्किल है, उसे पिघलाने के लिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाना पड़ेगा। अब बात ये है कि बचा कितना, 0.6% पानी बचता है। अब 0.6% जो पानी बचा है उसमें भी तो पानी जो है वो शुद्ध पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि ये तालाब में, नदियों में और झील में मौजूद है। अब यहाँ पे जब इन रूपों में ये पानी जो मौजूद है, जो नदी तालाब झीलों में मौजूद है, वो शुद्ध भी तो नहीं है, वो मटमैले होंगे, हो सकता है वो पानी में जो है उसकी गुणवत्ता में कमी भी होगी। अब देखा जाए तो पानी ज़्यादातर ये हम पाएंगे कि 1% भी पानी जो है वो पीने लायक नहीं है, 1% भी पानी पृथ्वी की सतह पे पीने लायक नहीं है। होने को तो पृथ्वी पे इतना ढेर सारा पानी है कि ज़मीन से ज़्यादा तो पानी ही पानी है। फिर भी अब एक स्टडी में ये पाया गया है कि करीब जो सतह पे पानी पीने लायक वो करीब 0.03%, आप सही सुन रहे हैं, 0.03% करीब पानी पृथ्वी पे पीने के लायक है। इसीलिए हम सभी लोगों को मिल करके ये कोशिश करनी चाहिए कि पानी को बचाएं। जो स्वच्छ पानी है, निर्मल पानी है, उस पानी को बचाएं, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए तरसेंगी और पानी के लिए ही युद्ध हो जाएगा, क्योंकि पीने लायक जो पानी का जो स्रोत है वो ज़मीन के अंदर है। अगर वो पानी ख़त्म हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में महामारी फैल जाएगी, पशु पक्षी पेड़ पौधे इंसान सब कुछ ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि यही तो हमारा मूल है जल। अब जल ही नहीं रहा तो जीवन कैसे रहेगा, इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब पानी का इस्तेमाल संयमित रूप से करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें। अगर आप संयमित रूप से पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचा पाएंगे और आगे भी जीवन मौजूद रहेगा। इसीलिए आप सब मिल करके जब अगर पानी के फिजूल खर्च को रोकेंगे तो ही हम पानी को बचा पाएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए
भी खर्च करके पानी को हम खरीद नहीं पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो इसलिए आप सब मिल करके इस बात पे जोर दें कि हमें पानी को संयमित रूप से ही खर्च करना है। पानी का जितना ज़रूरत है उतना ही पानी का खर्च करें, उससे ज़्यादा न